नेट्स में तो अच्छी बैटिंग होती है, फिर मैं मैच में क्यों जल्दी आउट हो जाता हूँ? आखिर मैच में मैं रन क्यों नहीं बना पाता? वेलकम टू क्रिक साइंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्रिक साइंस आपके लिए इसी तरह क्रिकेट कोचिंग टिप्स लाता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। नेट्स और मैचेस में बैटिंग करना दोनों ही अलग अलग काम है। जहां नेट्स में बैटिंग करके आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वहीं मैच में अपोनेंट बॉलर्स आपके उस स्किल का टेस्ट लेते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कॉमन डिफरेंसेस जो नेट्स और मैचेस में बैटिंग करते वक्त आप महसूस करते हैं। सिचुएशन, नेट में कोच द्वारा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, या कहें कि नेट में एक माहौल तैयार किया जाता है जिससे कि आप बेहतर बैटिंग कर सकें। वहीं मैच में ऐसा नहीं होता, वहां आपको अलग अलग सिचुएशन में और टाइमिंग में बैटिंग करना पड़ता है, जो कि आपके बैटिंग परफॉर्मेंस को सीधे प्रभावित करते हैं। हैबिट, नेट में आप शुरू से बैटिंग करते हैं, जैसे कि आपको नेट्स में बैटिंग करने की आदत होती है और आप वहां बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वहीं मैच में ठीक इसके अपोजिट होता है। आपको बताऊं, इसी हैबिट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने चाहिए। इसी तरह नेट के अंदर आप बगैर डर के बैटिंग करते हैं, वहां आपको किसी तरह का कोई फेयर नहीं होता, लेकिन मैच के अंदर आप पर हमेशा परफॉर्मेंस फेयर बना रहता है। कहीं आपका प्रदर्शन खराब ना हो जाए या डर आपको लगातार सताती है, इसकी वजह से आपका प्रदर्शन भी गिरता जाता है। फोकस, नेट में 15 से 20 मिनट की बैटिंग ज्यादातर एकेडमी में बैट्समैन करता है, जिससे उसके अंदर शॉर्ट टर्म फोकस डेवलप हो जाती है, और जब उसे मैच में कई घंटे बैटिंग करने की जरूरत होती है तो वह लॉन्ग टर्म फोकस, या कहें ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता। इसी तरह नेट्स में आप सभी गेंदबाजों का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं, जिससे आप उनके अगेंस्ट अच्छी बैटिंग कर पाते हैं, परंतु मैच में अपोनेंट प्लेयर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस से आप परिचित नहीं होते और आप कई बार मात खा जाते हैं। इसलिए आज मॉडर्न क्रिकेट में वीडियो एनालिस्ट का सहारा लिया जाता है। फिटनेस, नेट्स में बैट्समैन एवरेज फिटनेस से भी काम चला लेता है, क्योंकि वहां उसे केवल 10-15 मिनट खड़े होकर बैटिंग करनी होती है, किंतु मैच में अगर आप फिट नहीं हैं तो आप थकान के कारण अपना कंसंट्रेशन खो देंगे। और समझें कि नेट्स में कैसे प्रैक्टिस करें। नेट्स में आप हमेशा किसी ना किसी टास्क के साथ बैटिंग करें। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नेट्स से पहले आप अपने कोच के साथ उस दिन नेट्स में किए जाने वाले टास्क के लिए एक टारगेट सेट करें। जैसे कि आज केवल स्पिनर्स में सिंगल्स बनाऊंगा, मीडियम पेसर के आउटस्विंग बॉल को लेफ्ट करूंगा आदि। इस तरह आप नेट्स में भी अपना फोकस डेवलप कर सकते हैं। बैटिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक बॉलर, कई बार आपने मैचेस में किसी खास प्रकार के बॉलर के अगेंस्ट लगातार आउट हो जाते हैं, तो नेट्स में उस बॉलर से मिलते जुलते बॉलर के अगेंस्ट आप प्रैक्टिस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस उस टाइप के बॉलर के अगेंस्ट बढ़ता जाएगा। इंडियन टीम को कई बार आपने ऐसी तैयारी करते हुए जरूर देखा होगा। इसी तरह नेट्स में आप अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर डालकर देख सकते हैं कि आप किस तरह से प्रेशर हैंडल करते हो। इसके लिए आउट एंड कंप्लीट आउट मेथड का उपयोग करें। अगर आप नेट में आउट हो जाते हैं तो तुरंत नेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि मैच में भी यही होता है। ड्रिल, नेट और मैच मेथड। इस मेथड में आप किसी भी स्किल का सबसे पहले ड्रिल करें, फिर उसे नेट्स में और फिर मैच में यूज करें। अगर आप उस स्किल में मास्टर नहीं है तो मैच में उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। यूज स्कोर कार्ड। इस मेथड से आपको अपने बैटिंग पैटर्न को समझने में बहुत आसानी होगा। इस मेथड में कोच आपके प्रत्येक स्ट्रोक पर स्कोरिंग करता है और रन्स और डॉट बॉल के साथ साथ अनकंफर्टेबल बॉल्स को भी मार्क करता है। इसे यह पता चलता है कि आपका रन बनाने का क्या पैटर्न है और कहां आप पैनिक हो जाते हैं। जनरली मैच में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं।
आइए समझें नेट्स और मैच में यूज होने वाले टैक्टिक्स को। आपने देखा होगा कि कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मैच में बैटिंग नहीं कर पाते और रन नहीं बना पाते, या हम कहें फंस जाते हैं। इस सिचुएशन से निकलना भी आप नेट में ही सीख सकते हैं। अपने बैटिंग कोच से डिस्कस करें और नेट्स में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें जिससे आप नेट में भी रन्स को प्लान करके बना पाएं। आप थोड़े समय बाद ही यह देखेंगे कि जहां पहले आप मैच में गैप नहीं खोज पा रहे थे, वहीं अब आसानी से गैप खोज पा रहे हैं। आइए जानें नेट्स को किस तरह से यूज करें। मैच में जब खुले में बैटिंग करते हैं तो सभी गैप दिखता है, पर नेट्स में हम नहीं कर पाते और गैप का पता नहीं चल पाता, इसलिए समय समय पर नेट्स में फील्ड प्लेसमेंट क्रिएट करके भी बैटिंग करें। दोस्तों, सबसे बेहतर तरीका है कि आप हो सके तो ओपन नेट करें। यह मैच से मिलती जुलती प्रैक्टिस होती है, इसके साथ साथ मैच सिमुलेशन का भी उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर होता है। ओपन नेट्स आपके एक्चुअल स्टैंडर्ड को बताता है। ध्यान रखें, जैसा आप सोचेंगे बॉडी वैसा ही बिहेव करेगी। आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। Enjoy your batting. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।